चलिए बढ़ते आगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के आंदोलन पर साथ रहने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमने जिन शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाकर रोजगार व शिक्षा तंत्र को सशक्त किया था, उन्हें बीजेपी ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। आंदोलन की बरसी पर महिला पुरुष शिक्षा मित्रों का केस त्यागना वस्तुतः बीजेपी में विश्वास का भी त्याग है। शिक्षा मित्रों के हर संघर्ष में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर कोसा, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए शिक्षा मित्रों की बदहाली के लिए पूर्व की समाजवादी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से निषाद समाज ने मिशन 2019 के लिए अपने कुल गुरु मच्छेंद्र नाथ और फूलन देवी के नाम पर सियासत शुरू कर दी है। एक जनसभा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और गोरखपुर के सांसद प्रवीण निषाद ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर संजय निषाद ने मछुआरों के आरक्षण की भी मांग उठाई। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी के हत्यारे को फिर जेल भेजा जाए। चर्चित निदा खान मामले में फतवा जारी करने वाले मुफ्ती मौलवियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। निदा खान ने फतवा जारी करने वाले धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ तहरीर दी थी। निदा की तहरीर पर एसपी सिटी ने बरादरी थाना पुलिस को मुफ्ती मौलवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए। मैं अपना कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ़ मौलानों ने एक फतवा दिया था जिसमें उन्होंने साफ तरीके से मुझे मुसलमान होने से खारिज कर दिया गया है और साथ ही साथ मेरा हुक्का पानी बंद और अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो मेरा मुझे कोई देखने ना आए, मेरी दवाई ना हो, मर जाऊं तो मेरे जनाजे की नमाज ना हो और मुझे दफन ना किया जाए। इस तरीके का बेहुदा उन्होंने फतवा मेरे ऊपर दिया था जिसके ऊपर मैं FIR लिखवाने आई थी और जो पुलिस का रवैया एज़ यूजल रहा कि वो कार्रवाई करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। गुण और दोष के ऊपर वो कह रहे थे कि देखने के बाद और जांच करने के बाद FIR होगी। निदा खान जी ने एक तहरीर दी है वो दरगाह के खिलाफ कि उसमें तमाम तरीके की उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके खिलाफ कुछ फतवे जारी किए गए हैं, सोशल बायकॉट के तरीके से उनका प्रयास किया गया है। तो वो तहरीर हम लोगों ने ले ली है और हम लोग उस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो सभी की जाएगी। नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं और हम लोग इसमें एक लीगल ओपिनियन भी ले लेंगे कि इसमें किन किन सूटेबल सेक्शंस में FIR बनेगी और उसके हिसाब से हम कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का सियासी काल बुरे दौर से गुजर रहा है। कई मामलों में आजम खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ इनकम टैक्स विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ 2017 में दी गई सेना पर विवादित बयान को लेकर पुलिस को चार्जशीट लगाने की अनुमति मिल गई है। रामपुर के थाना सिविल लाइन्स में आजम खान के खिलाफ 2017 में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में धारा 153A होने की वजह से इससे शासन की अनुमति जरूरी थी। अब अनुमति मिलने पर पुलिस ने भी चार्जशीट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2017 में आजम खान ने रामपुर सभा कार्यालय में सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए सेना पर रेप का आरोप लगाया था। इसी को लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। आइए, सिविल लाइन्स थाने में 509/17 क्राइम नंबर दर्ज हुआ था जिसमें जो प्रेस में स्टेटमेंट्स दिए गए थे मंत्री जी के द्वारा, भूतपूर्व मंत्री जी के द्वारा, कि जिसमें भारतीय सेना के विरुद्ध कथित रूप से कुछ बातें कही गई थी जिसके संबंध में विवेचना की गई थी और ये मामला जो है 153A और 505 IPC के अंतर्गत दर्ज हुआ था जिसके संबंध में 153A के अंतर्गत शासन से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी। वो अभियोजन स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गई है। अब इसमें इस केस में अग्रिम कानपुर में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर कुछ दबंग लोगों ने जमकर फायरिंग और तोड़फोड़ की। दिन दहाड़े गोलियों की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। जिस वक्त ये दबंग अपने गुर्गों के साथ प्लॉट पर कब्जा करने पहुंचे थे उस वक्त एक मकान में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। ये पूरी घटना 21 जुलाई की है और जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो केंद्रीय मंत्री और फतेहपुर से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजना ज्योति के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इलाके का ही रहने वाला अपराधी किस्म का रोहित निषाद उस प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से 21 तारीख को अपने साथ असलाधारी लोगों को लेकर पहुंचा और प्लॉट के गेट का ताला तोड़कर उसमें रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद CCTV फुटेज को अपने कब्जे में लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं पीड़ितों का कहना है कि ये पूरी घटना मंत्री के दबाव और रसूख के चलते दबाने की कोशिश की जा रही है।
हमारा प्लाट है शिवकटरे में 225 गज का, उस पर भू माफिया रोहित निषाद जो कि माननीय मंत्री जी साधन रंजन ज्योति का अपना रिश्तेदार बताता है, वो मेरे प्लाट पर आकर 8-10 असलहों के साथ फायर किया उसने और जान से मारने की धमकी भी दे रहा, सीधे सीधे फायर किया उसने उस दिन उस घटना स्थल पर। हमेशा ये कह के जाता है कि ये प्लाट छोड़ दो, अगर ये प्लाट लोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा क्योंकि मंत्री मेरे रिश्तेदार हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये सीधे सीधे धमकी देता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इसलिए की गई है कि हमारे मित्रवत छोटे भाई हैं ज्ञानेश सिंह जी ज्ञानू ठाकुर, इनका एक प्लाट है शिवकटरा में जो है, और उसमें एक रोहित निषाद व्यक्ति नाम का हिस्ट्री सीटर और एक चरणजीत, उन लोगों ने पिछले दिनों अपने गुर्गों के साथ उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिस पर वहाँ क्षेत्रीय लोग मौजूद थे और उसके बाद ज्ञानू ठाकुर अध्यक्ष जी भी वहाँ पर पहुँच गए और कब्जा करने से जब रोकने लगे तो उन लोगों ने इन लोगों के ऊपर सीधे सीधे फायरिंग शुरू कर दी, अंधाधुंध फायरिंग करीब 6-7 फायर किए। देश में मॉब लिंचिंग को लेकर संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा है। सरकार मॉब लिंचिंग पर सख्त है और कड़े कानून बनाने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष ने मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इन सब के बावजूद लिंचिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला पीएम के संसदीय इलाके वाराणसी का है, जहां लड़की के अपहरण के मामले में पूछताछ करने गए पुलिस जवानों और लड़की के परिजनों को भीड़ ने बंधक बना लिया। मामला इतना बड़ा कि भीड़ उग्र होने लगी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने भीड़ से जैसे तैसे लड़की के परिजन और पुलिसकर्मियों को बचाया। इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी अंकिता सिंह ने बताया कि लोहता थाने में एक लड़की के अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था। अपहरण के आरोपी का लोकेशन दिल्ली में मिल रहा था, लेकिन जिससे उसके मोबाइल से सबसे ज्यादा बात हो रही थी वो आरोपी का दोस्त था और आरोपी के दोस्त से पुलिस और लड़की के परिवार वाले पूछताछ के लिए गए थे। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ करने के लिए पुलिस की एक टीम यहाँ से थाने से रवाना होकर गई थी वारिस को ले आने के लिए, ताकि उससे पूछताछ किया जा सके। साथ में लड़की के मामा एवं कुछ अन्य लोग, एक दो लोग और थे जो गए थे लड़की के वारिस के घर का पहचान बताने के लिए। वो लोग पहले घर में वहाँ लड़की वारिस के घर चले गए, पुलिस की टीम अभी पीछे ही थी। जो भी कारण हो, पब्लिक में जो भी मैसेज गया हो, तो पब्लिक के लोग उसको रोक लिए। पुलिस थाने के जो सिपाही गए थे वो रुके, उन्होंने अपना परिचय पत्र भी दिखाया, अपनी आइडेंटिटी भी बताई, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा उनको रोक के रखा गया कि जब तक थाने से थानाध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक। इटावा के बर्तना इलाके के वरौदी गांव में एक पेड़ से एक युवक की लाश लटकी हुई मिली। बताया जा रहा है कि शादी के सिर्फ 20 दिनों के बाद ही युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक बर्तना इलाके के यादव नगर मोहल्ले का रहने वाला प्राथमिक शिक्षक विकास यादव 26 तारीख यानी कि मंगलवार 26 साल का युवक मंगलवार देर रात अपने घर से आत्महत्या करने के लिए बात कहकर निकला था। उसके मामा की तरफ से बर्तना के इंस्पेक्टर को जानकारी भी दी गई। इसके बाद उसके नंबर को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नंबर किसी तकनीकी कारणों के चलते कनेक्ट नहीं हो सका। सुबह होने पर विनोदी गांव के प्रधान के पति की तरफ से एक युवक के पेड़ से लटककर आत्महत्या करने की सूचना दी गई। वारदात के बाद से इलाके में दहशत है। तो रुकते हैं यहां पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।